हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल बिंदुस किचन एंड मून में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं विदाउट क्रीम और बहुत ही कम सामान में कैसे चॉकलेट आइसक्रीम बनाते हैं वो बताऊंगी। तो चलिए सुपर इजी होममेड चॉकलेट आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कटोरी ले लिया और इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। आप कॉर्नफ्लोर के जगह 2 टीस्पून मैदा डाल सकते हैं। आप डाल देंगे 2 टीस्पून कोको पाउडर और इसको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए हम डाल देंगे 1 कप रूम टेम्परेचर वाला मिल्क और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है तो अच्छे से मिक्स करना है। पहले 1/2 कप मिल्क डाल दिया था, अब और 1/2 कप मिल्क डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले लिया। फुल क्रीम मिल्क लेने से आइसक्रीम का टेक्सचर जो है वो क्रीमी क्रीमी सा बनता है। तो अब मिल्क को हम बॉईल कर लेंगे। ये देखिए दूध में बॉईल आ गया है। अब इसको एक बार चला लेंगे। तो अब इसमें डाल देंगे 1 कप शुगर। तो शुगर की मात्रा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको 2-3 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। आइसक्रीम में शुगर की मात्रा ज़्यादा ही रखें क्योंकि आइसक्रीम जम जाने के बाद मीठा थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए शुगर की मात्रा ज़्यादा ही रखें। दूध में शुगर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये जो मिक्सर तैयार करके रखी थी वो डाल देंगे। ये मिक्सर डालने से पहले चम्मच से एक बार ऐसे मिक्स कर लेना है, उसके बाद ही डालना है। थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल लेंगे और एक हाथ से ऐसे मिक्स करते रहेंगे। इसी टाइम गैस का फ्लेम लो ही रखें और 5 मिनट के लिए ऐसे चलाते हुए हमें बॉईल कर लेना है। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ये मिक्सर ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब स्विच ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए पूरा ठंडा होने के बाद कितना गाढ़ा हो गया है। मैं बीच बीच में ऐसे चला लिया था ताकि जल्दी से ठंडा हो सके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मैंने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया और इसमें आइसक्रीम मिक्सर को डाल देंगे और 1 मिनट के लिए इसको मिक्सी में चला लेंगे। ये देखिए आइसक्रीम का मिक्सर कितना क्रीमी क्रीमी सा लग रहा है। अब इसको एक एयरटाइट बॉक्स में डाल देंगे और 3-4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। चार पाँच घंटा रख दिया था मैंने फ्रीजर में। अब मैं इसको क्या करूँगी, और एक बार मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि मैं इसमें कोई क्रीम वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए और एक बार चला लेने से क्या होगा, आइसक्रीम हमारा और भी ज़्यादा क्रीमी सा बनेगा। तो इसलिए हमें और एक बार चला लेने से आइसक्रीम का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए पहले से कितना ज़्यादा क्रीमी सा लग रहा है ये चॉकलेट आइसक्रीम का मिक्सर। अब मैं इसको इसी बॉक्स में ही डाल दूंगी। अब मैं इसके ऊपर ये डेयरी मिल्क को ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा करके इसके ऊपर ऐसे डाल दूंगी। आपके पास चॉको चिप्स है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। अब इसको मैं 7-8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी, या तो आप रात भर रख सकते हैं। मैं पूरे रात भर आइसक्रीम को फ्रीजर में रख दिया था, उसके बाद ही आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। उससे पहले चारों तरफ ऐसे लूज कर लेंगे। ऐसे आप चाकू से भी चारों तरफ लूज कर सकते हैं, या तो आप पानी के बर्तन में भी थोड़ी देर रख सकते हैं। आपके आइसक्रीम बहुत अच्छे से निकल के आ जाएगा। अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी।
वाओ, ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है और क्रीमी क्रीमी सा लग रहा है। और आप देख ही सकते हैं साइड से पिघलने भी शुरू कर दिया है। अब मैं नाइफ से कट कर लूँगी। ये देखिए बहुत ही आसानी से नाइफ से कट हो रहा है, यानी कि बहुत ही क्रीमी सा बना है मेरा आइसक्रीम। तो मैं इसके ऊपर भी वही डेयरी मिल्क वाला ही चॉकलेट इसके ऊपर डाल देंगे और मैं चॉकलेट सिरप को ऐसे डाल देंगे ताकि दिखने में भी सुंदर लगे और खाने में भी और भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा ये रेसिपी एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे और एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर फ्रेंड्स।